नमस्कार, आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से सीबीआई के बारे में बहुत ही आसानी से बेहतर समझने की प्रयास करते हैं। अपराध चाहे आपकी घर की हो या फिर कानूनी तौर पे हो, अपराध को मुख्यतः दो तरह से निदान या हल किया जाता है। सबसे पहले अपराध की जांच की जाती है, जांच में पाए गए अपराधी को न्यायिक प्रक्रिया द्वारा सजा दी जाती है। तो अपराध की मुख्यतः यही दो प्रकार शुरू से अंत तक अलग अलग श्रेणियों में बटे हुए हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए आपके किसी क्षेत्र विशेष में यदि कोई अपराध होती है तो उसके लिए FIR के तौर पर आपके क्षेत्रीय थाना में केस दर्ज की जाती है। पाए गए अपराध को न्याय में यानी कि सिविल कोर्ट में पेश की जाती है, जहां से उसकी न्यायिक प्रक्रिया सल्व होती है या फिर नहीं होने के क्रम में उसे पुनः उससे उच्च अदालत जो कि हाई कोर्ट में पेश की जाती है, जो कि एक राज्य विशेष की उच्च स्तरीय अदालत होती है। अगर वहां पे भी उसे न्याय प्रक्रिया अच्छे से नहीं निदान हो पाती है तो फिर उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में उसे फाइल को उस केस को ट्रांसफर की जाती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत का उच्च अदालत है, वहां से उसको निदान की जाती है। ये तो हुई न्याय प्रक्रिया की उच्च स्तर। वहीं अब जांच प्रक्रिया की बात कर ले, कोई अपराध किसी क्षेत्र में हुई हो, यदि उस क्षेत्रीय थाना के माध्यम से जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही हो तो उस स्थिति में उसी राज्य के विशेष इन्वेस्टिगेशन CID के माध्यम से पता किया जाता है उस अपराध के बारे में। परंतु यदि उससे भी नहीं सॉल्व हो, यदि मामला दो राज्यों के बीच का हो तो किसी एक राज्य का विशेष CID उस राज्य में पूर्ण रूप से हस्तक्षेप या जांच नहीं कर पाने की स्थिति में इस मामला को सीधे CBI को सौंप दी जाती है। सेम CBI जो है उस प्रक्रिया को पूर्ण रूप से निदान की करती है। अब उदाहरण के तौर पे देखें तो बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का जो सुसाइड मर्डर हुआ था उसकी जांच जो है सर्वप्रथम वहां के स्थानीय पुलिस यानी मुंबई पुलिस के माध्यम से उसे जांच किया गया। परंतु सुशांत सिंह राजपूत बिहार के रहने वाले थे, उनके पिता भी बिहार में ही रह रहे थे। इस स्थिति में यह केस दो राज्यों के बीच का हो जाता है क्योंकि उनके पिता रह गए थे उनके गार्जियन के तौर पे, जो कि केस लड़ने वाले वही थे। वो इस केस को अपने स्थानीय क्षेत्र थाना क्षेत्र में पटना में फाइल दर्ज किए। तो ये मामला अब दो राज्यों के बीच की हो गई, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन अच्छी से नहीं हो पाती। जैसे में आप न्यूज के माध्यम से देख ही पा रहे थे कि बिहार पुलिस इस मामला के जांच के लिए या फिर महाराष्ट्र गई हुई थी, जहां पे उनकी कुछ महाराष्ट्र पुलिस की कमियां के वजह से कुछ कुआदर भी देखने को मिला। खैर वो एक उस पे बात नहीं करते हुए हम इस पे देखेंगे कि वहां पे इनको विशेष हेल्प नहीं मिला और वहां पे कुछ जांच में बाधा होने लगी ना। वही पुलिस अच्छे से ढंग से जांच कर रही थी और बिहार पुलिस को अपना जांच रिपोर्ट देने में भी पीछे हट रही थी। इस मामला को जांच करने के लिए CBI को सौंपा गया क्योंकि अब CBI के पास पूर्ण अधिकार हो जाता है। किसी भी राज्य की मामला हो, ऑल ओवर इंडिया की मामला, किसी भी कोने की मामला हो, वह पूर्ण अधिकार रूप से किसी को भी हिरासत में लेकर किसी से भी पूछताछ कर सकता है, किसी से उसको आदेश लेने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि एक राष्ट्रीय स्तर पर विशेष अधिकार CBI को प्रदान है। आइए अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि CBI की आवश्यकता क्यों पड़ी, कब से CBI सुचारू ढंग से शुरू कर दिया गया। तो विश्व युद्ध के दौरान सन 1941 में यानी 1941 में जो देश की स्थिति बिगड़ जाती है, अर्थात जब किसी भी देश में युद्ध का हाल होता है तो सरकारी विभाग के कर्मचारी के द्वारा भी भ्रष्टाचार होने लगते हैं। तो यहाँ पे CBI की स्थापना विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के रूप में की गई थी। उस वक्त इसका नाम CBI नहीं था। विशेष पुलिस प्रतिष्ठान का मकसद था भारत के सरकारी कर्मचारियों का ही जाँच करना, उनके द्वारा कोई भ्रष्टाचार न हो इस प्रकार से उनकी देखरेख करने के लिए विशेष पुलिस प्रतिष्ठान की स्थापना की गई 1941 में। परंतु विश्व युद्ध के बाद भी इसकी कुछ अधिनियम में बदलाव करके दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के रूप में इसे नामांकित कर दिया गया, कुछ इसे और अधिकार दे दिया गया, जो कि 1946 में ऐसा किया गया। इसी प्रकार से सन 1963 में CBI नाम नामांकन कर दिया गया, यानी कि इसके अधिनियम में बदलाव जैसे जैसे होते गए और इसकी अधिकार भी पूरे सेंट्रल स्तर पे दे दी गई थी, इसलिए इसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI नाम से जाना जाने लगा। तो इस प्रकार से CBI का कार्य पूरे राष्ट्रीय स्तर पे हो गया, पूरे राज्य में कहीं भी वो जाँच कर सकती है। तो वहाँ पर पुनः उसके बाद भी सन 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उनको भी जांच करने का अधिकार इसके तहत कर दिया गया था। यानी कि पूर्ण रूप से CBI को धीरे धीरे अधिकार प्राप्त होते गया। इस प्रकार CBI को एक विशेष अधिकार प्राप्त है कि वो भारत के किसी भी राज्य में
कहीं पर भी जांच कर सकता है केंद्र सरकार के आदेश पे। तो आशा करते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सीबीआई के बारे में विशेष रूप से समझ गए होंगे। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत